तो गांव-गांव में गली-गली में पटवारी के माध्यम से देखिए एमएसपी की मांग को लेके शंभू बॉर्डर में जो पंजाब के जो हमारे किसान है और उनके साथ जिस प्रकार से निर्दयतापूर्ण व्यवहार हुआ, ऊपर से ड्रोन से भी आंसू गैस छोड़े गए, लाठी चार्ज किए गए, उसकी आज सभी साथियों ने यहाँ ट्रैक्टर मार्च निकाल के कड़ी निंदा की और विरोध जताया है। और ये तो अभी मात्र शुरुआत है। आपने देखा परसों टोल बंद हुआ था, यहाँ मोरवाड़ा टोल भी बंद हुआ, लाट बारवास वाला टोल भी बंद हुआ, कितलाना टोल पे प्रदर्शन हुआ। तो यहाँ के किसान और मजदूरों ने ये दिखा दिया कि अगर सरकार अपनी इस तरह की कार्रवाई से पीछे नहीं हटती तो लगातार जो किसान और मजदूर अपनी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। और ये तो मात्र शुरुआत है, इससे आगे भी बढ़ने से गुरेज नहीं करेंगे। देख ज्ञापन में एमएसपी की मांग के साथ जो क्योंकि पिछली फसल का मुआवजा भी बाकी है उसकी बात भी रखी गई है। इसके साथ में जिन अधिकारियों देखिए क्योंकि अधिकारी जो है ऊपर के आदेश के बगैर तो कोई काम करते नहीं है। जिस प्रकार शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे खड्डे खोदे गए, जिस प्रकार की कील गाड़ी गई है, लोकतंत्र का एक तरीके से हत्या है। और यही वजह है कि हाई कोर्ट को भी टिप्पणी करनी पड़ी कि जो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे हैं किसान, आप रास्ता किस लिए रोक रहे हो? क्योंकि पंजाब पुलिस ने जब नहीं रोका तो हरियाणा पुलिस की किसकी सह पे कार्रवाई कर रही है? तो उसकी भी आज कड़ी निंदा की गई है। और जिन जिनने उन्हें भी ये आदेश दिए हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किए जाए और उनको अंदर दिया जाए, यही मांग हमने आज इस ज्ञापन के माध्यम से किनको दी? अपने वीडियो साहब को हमने दी है और मुख्यमंत्री महोदय को भेजी है। ये देखो जी, बालडा खंड में सरसों पर कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से 50-70% सरसों का नुकसान हो चुका है। और हमने आज प्रशासन से निवेदन किया है कि 7-10 दिन के अंदर अंदर स्पेशल गिरदावरी के आधार पर, आदेश पर किसान के खेत में पटवारी जाए और फसल का सही आकलन करके उचित मुआवजा दिया जाए। अगर प्रशासन 7-10 दिन में ये गिरदावरी न करेगा तो प्रशासन को हम 7-10 दिन में दोबारा तहसील का घेराव करेंगे और बड़े प्रदर्शन की तैयारी करेंगे। किसान आंदोलन तो पार्टी है, इसका असर बाढ़ क्षेत्र में कम देखने को मिल रहा है, तो क्या करेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया का एक दिखावा है। किसान आंदोलन की चर्चा घर घर में है और बाढ़ पहले भी अग्रणी भूमिका निभाता रहा है और आगे भी अग्रणी भूमिका निभाएगा और बाढ़ के हर घर से किसान आंदोलन में अपनी भूमिका आगे भी जारी रहेगी। ये जो किसानों का आंदोलन है इसमें बाढ़ की क्या भूमिका रहने वाली है? ऐसा है जी, बाढ़ की जो भूमिका है किसानों की वो कभी पीछे नहीं रही। पिछले तो 3 कानून काले कानून आए थे उनके बारे में भी बाढ़ बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और जो अब जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है अन्नदाता के नाम, ये सरकार जो अत्याचार कर रही है इसमें बाढ़ पीछे नहीं रहेगा जी, आगे से आगे बढ़कर रहेगा। क्या मुख्य मांगे, क्षेत्रीय मांगे? हमारी मांगे ये है जी, यहाँ किसानों का जो फसल नुकसान होता है आए साल होता है, रबी का भी खरीफ का भी, और कि यहाँ जो है उनको न तो मुआवजा मिलता है, कभी कोई 2-4 कंपनी वाले कुछ पैसे डाल देते हैं और बाकी रह जाते हैं, इसलिए वो मुआवजा पीछे का भी दिया जाए। अब जो 50% इस सरसों का नुकसान हो रहा है किसानों के खेतों में जाकर गिरदारी करवाएं और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। हमारी रणनीति है कि सरकार से हम अनुरोध करते हैं, शांति प्रिय ढंग से बात करते हैं कि जो है किसानों की जो एमएसपी की मांग है वो पूरी करें और जो भी 10-12 मांगे हैं उनको सरकार पूरी करे, नहीं तो किसान जो है चुप बैठेंगे। न ये किसी से डरते हैं, ये सिर्फ राम राम से भगवान से डरते हैं और ये जो है अपनी मांग पूरी करवा कर रहेंगे। प्रशासन को गांव-गांव में गली-गली में पटवारी के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से अधिकारी पहला समय नहीं है, चाहे वो पिछले समय की बात हो, जब किसान आंदोलन चला बड़े ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च अपना, चाहे वो दादरी का हो चाहे बाढ़ को, एक इतिहास बनाने का आप लोगों ने काम किया था और अब आंदोलन की शुरुआत है। आज जो आपने शुरुआत की आपको मुबारकबाद देता हूँ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।